हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि उसका घर कुछ ऐसा हो कि जब वो उसमें कदम रखे तो उसके दिल से ये ही निकले कि ये है मेरा खूबसूरत आशियाना। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार पूरी तरह से तैयार है। वो प्रदेश के विधायकों को खूबसूरत आवास बनाकर उन्हें तोहफा दे रही है। अब ये आवास इन विधायकों के ख्वाब की पहचान होंगे, जहाँ ये रहेंगे और जनता के सपनों को पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। राजस्थान विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। विधानसभा भंग होने से पहले ही विधायक के लिए बनाए गए आवास बनकर तैयार हैं, जिनका 12 अगस्त को उद्घाटन होने जा रहा है। सरकार ने विधायक के लिए 160 आलीशान फ्लैट्स बनाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी इन विधायक आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान आवास मंडल ने इन फ्लैट्स का निर्माण किया है। 2 साल पहले 11 अगस्त 2021 को विधायक आवास परियोजना की आधारशिला रखी गई थी और अब 24,160 वर्ग मीटर जमीन पर 6 टावर बनकर तैयार है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं। इनमें 30 मंत्रियों और 10 प्रमुख नेताओं के निवास सिविल लाइन्स में। इसी को देखते हुए नई विधानसभा आवास योजना में कुल 160 लग्जरी फ्लैट्स तैयार किए गए। आइए अब हम आपको ले चलते हैं इन विधायकों के आवास। विधानसभा चुनाव दहलीज पर है, लेकिन इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों को जो विधायक आवास है, जो फ्लैट्स हैं, उनकी सौगात देने वाले हैं। पहली झलक हम आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह के ये फ्लैट्स हैं, क्या किस तरह की सुविधाएं इन फ्लैट्स के अंदर मौजूद हैं। लगभग 3200 स्क्वायर फीट में बनकर तैयार हुआ इस फ्लैट्स में अलग अलग जो है, चाहे वो वेटिंग लॉन्च हो, चाहे ऑफिस हो, ये तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं यहाँ पर रहने वाले विधायकों को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर एंट्रेंस लॉबी से लेकर जो गेस्ट है वो आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर जो बेडरूम है वो यहाँ पर गेस्ट के लिए मौजूद रहेगा। इसके अलावा जो ड्राइंग रूम है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है, ताकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे जब भी कोई मिलने आएगा तो वो यहाँ पर ड्राइंग रूम में यहाँ पर वेट कर सकता है। इसके अलावा तमाम तरह की जो सुख सुविधाएँ हैं वो इस फ्लैट्स के अंदर मौजूद हैं। करीब 6 टावर जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं और उनमें तकरीबन 160 जो फ्लैट्स हैं वो टोटल बनाए गए हैं। हम आपको सीधा जो नज़ारा है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये फ्लैट्स का जो है अनावरण करेंगे, सौगात है विधायकों को देंगे। खास बात ये है कि ये जो फ्लैट्स हैं यहाँ से सीधा जो विधानसभा का नज़ारा है वो भी सीधा दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक विधानसभा के सामने इन फ्लैट्स को यहाँ पर तैयार किया गया। 160 जो आलीशान फ्लैट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं इन फ्लैट्स के अंदर मौजूद है। करीब 2 साल पहले 11 अगस्त 2021 को इन ये जो विधायक आवास परियोजना है उसकी आधारशिला रखी गई थी और अब लगभग 6 टावर यहाँ बनकर तैयार हो चुके हैं और इनमें तकरीबन 160 फ्लैट तैयार किए गए हैं। देखिए, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधायक हैं, जिनमें से 30 मंत्रियों और 10 अन्य प्रमुख नेताओं के निवास स्थान सिविल लाइन्स में है, तो ऐसे में सिर्फ 160 फ्लैट्स ही यहाँ पर तैयार किए गए हैं। ये एक किचन है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है, जो सर्वेंट रूम है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि विधायकों के जो परिवारजन हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं। जो सर्वेंट रूम है वो यहाँ पर मौजूद है और उसकी एंट्री और एग्जिट दोनों बाहर से है, अंदर किसी तरह का कोई यहाँ पर दखल नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बेडरूम है वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। बहुत बड़े, बहुत जो आलीशान है, बहुत ही आलीशान ये फ्लैट्स हैं यहाँ पर और तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। देखिए, इसमें एक गेस्ट बेडरूम के अलावा 3 अन्य बेडरूम भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन फ्लैट्स को तैयार किया गया है। प्रत्येक बेडरूम के साथ अटैच लेटबाथ यहाँ मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो अन्य जो भी यहाँ पर सुविधाएं हैं उनकी बात करें तो विधायक आवास में LED लाइटिंग, वाईफाई, ATM, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर और 24 घंटे बीसलपुर के पानी की व्यवस्था यहाँ पर रहने वाली है। बिजली आपूर्ति के लिए 2 GSS से यहाँ पे आपूर्ति की जाएगी। वहीं 2 मंजिला बेसमेंट पार्किंग में तकरीबन 900 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो पार्क
यहाँ पर की जा सकेगी। खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और स्मार्ट पार्किंग सिस्टम की सुविधा यहाँ पर विकसित की गई है। जैसा कि हम बता रहे थे कि तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हर फ्लैट के साथ बालकनी यहाँ पर मौजूद है। ये तो बात हुई जो फ्लैट्स में क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी, लेकिन 2 महीने बाद आचार संहिता है और उसके बाद तकरीबन नवंबर के अंत तक राजस्थान में चुनाव होने हैं। ऐसे में फिलहाल तो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर निवास करेंगे, लेकिन अगले 5 साल नवंबर दिसंबर के अगले 5 साल कौन बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से किस पार्टी के विधायक यहाँ पे रहने वाले हैं इसका चुनाव प्रदेश की जनता करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र सैनी के साथ आदित्य आत्रे, द नगरी न्यूज़।